हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो माननीय बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68वीं प्रारंभिक परीक्षा और परियोजना प्रबंधक के आगे जितनी भी मुख्य परीक्षाएं होंगी, यानी 67वीं मुख्य परीक्षा हो या 68वीं मुख्य परीक्षा हो, या उन परीक्षाओं में किस प्रकार के चेंजेज किए जा रहे हैं और किन चेंजेज किए जाएंगे, इस संदर्भ में माननीय बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद साहब ने जो कुछ जानकारी दी है, उन्हीं जानकारी को थोड़ा सा एलोबरेशन के साथ में हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है क्या कि 67वीं बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होगी, उस मुख्य परीक्षा में विद्यार्थियों को उनकी कॉपी को चेक करने के लिए 4 प्रकार के स्केलिंग मेथड का ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या वो अपने कॉपी का जो इवेल्युएशन होता है मेंस के कॉपी का, उन कॉपी में स्केलिंग पद्धति लागू करना चाहते हैं या नहीं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि यदि किसी बच्चा को लगता है कि मेरा ऑप्शनल विषय LSW और किसी का मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स वाले का तो बहुत ज्यादा नंबर चला आता है, LSW वाले को नंबर कम आते हैं अपेक्षाकृत। तो ऐसी स्थिति में यदि विद्यार्थी चाहेंगे तो स्केलिंग के माध्यम से उनकी कॉपी का इवेल्युएशन होगा और 4 प्रकार के स्केलिंग मेथड होंगे। यह मेथड कैसा होगा ये बीपीएससी आने वाले कुछ समय में बता देगा, तो हम भी उस संदर्भ में बीपीएससी जो वो चीजें बताएंगी फिर हम आपको अपडेट दे पाएंगे। अभी हमें नहीं पता है कि माननीय बीपीएससी के द्वारा किस प्रकार के स्केलिंग पद्धति को अपनाया जाएगा। ये रहा 68वीं मेंस का। उसके बाद क्या है कि 68वीं पीटी की परीक्षा के लिए जो सबसे बड़ा अपडेशन आया है, सबसे बड़ा अपडेट है बीपीएससी के द्वारा, वो एक अद्भुत उनको कह लिए, क्योंकि अभी तक वैसा ना तो यूपीएससी में पद्धति अपनाया गया है, ना तो भारत के किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के द्वारा पद्धति अपनाया गया है। इसमें क्या है कि अभी तक बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा लेती थी उसमें 150 प्रश्न होते थे और 150 अंक के लिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती थी और उसी के आधार पर आपका कट ऑफ निर्धारण करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाता था। लेकिन 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से इन्होंने परीक्षा लेने और विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा देने के पैटर्न को भी परिवर्तित कर दिया है। इस चीज को समझते हैं क्या है कि 68वीं बीपीएससी में आपको 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन वो 200 नंबर का होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करने का समझिएगा कि जो 100 प्रश्न होंगे वह 100 प्रश्न आपके एक एक नंबर का होगा, उनका जो कठिनाई लेवल होगा वो सामान्य होगा, सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं, और बाकी वो एक एक नंबर का होगा। और बाकी के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चन बहुत ही कठिन लेवल के होंगे। बहुत ही कठिन लेवल का कहने का मतलब यह है कि इन ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको जरूरी होगा कि आप NCERT और जो बेसिक किताबें हैं उन बेसिक किताबों को आप पढ़ें, तो ही जाकर के आप उस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपके होंगे, 100-100 एक एक नंबर का, तो वो 100 नंबर हो गए। जो 50 क्वेश्चन आपके बचे हैं वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 50-200 नंबर के हो गए। अब इसमें ट्रिकी मेथड क्या है कि जो 50 क्वेश्चन जो टफ मेथड के होंगे उनमें निगेटिव मार्किंग होगा, यानी अगर आपने उस प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो बीपीएससी उस में से आपका नंबर काटेगा, यानी निगेटिव करेगा। कितना निगेटिव करेगा, 1/4 है या 1/3 है या 1/2 है, इसकी जानकारी बीपीएससी के द्वारा अभी नहीं दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा इसकी जानकारी कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा, तो हम भी आपको अपडेट दे देंगे। अब सब समझते हैं कि 67वीं का जो मेंस होगा उसमें एक दो चेंजेस और हैं जो होने की संभावना है। यदि 67वीं में नहीं होगा तो 68वीं के मेंस में ये चेंजेस तो तय होना है। पहले क्या था कि यदि मेंस का एग्जामिनेशन होता है तो माननीय बीपीएससी के द्वारा पटना के विभिन्न सेंटर्स पे प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन भेजा जाता था उस सेंटर पे कि जहां मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। ऐसे में क्या था कि क्वेश्चन आउट होने की संभावना भी रहती थी, लेकिन अब माननीय बीपीएससी ने इसमें चेंजेस क्या किया और पारदर्शिता क्या लाया है कि अब बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पटना के जिन भी केंद्र पे होंगे वहां पर प्रिंटर की व्यवस्था उपलब्ध बीपीएससी के द्वारा होगा और उसमें 4 या 5 प्रकार के सेट होंगे, क्वेश्चन का सेट होगा मुख्य परीक्षा का। उन पांचों में से या चारों सेट में से बीपीएससी किस सेट के क्वेश्चन को मेंस में पूछ रहा है ये रैंडमली आपको उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आपका पेपर हो। जैसे मान लेते हैं आपको जीएस पेपर 1 का पेपर देना है, तो पहले क्या था कि पहले पेपर छप के आता था, लेकिन अब जीएस पेपर 1 के लगभग 4 से 5 अलग अलग सेट्स तैयार होंगे, उन सेट्स का कोड होगा और सारे सेंटर्स पे उस कोड को डी कोड करने का अधिकार माननीय बीपीएससी का होगा। बीपीएससी इन पांचों या चारों सेट में से कौन सा सेट को आपको बच्चों को देता है ये बच्चों के सामने क्वेश्चन पेपर प्रिंट होगा, एग्जामिनेशन सेंटर में ही प्रिंट होगा,
ताकि बच्चे पारदर्शिता पूर्वक यह देख पाए कि हमारा क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है और हमने बहुत ही बेहतर तरीके से और ईमानदारी पूर्वक बीपीएससी पेपर लिया और बच्चे भी संतुष्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही बेहतर कदम हम कह सकते हैं, मेरी नजर में व्यक्तिगत रूप से यह बहुत ही बेहतर कदम है, क्योंकि देखिए मेंस तो आपको देना ही है। तो पहले क्या था कि क्वेश्चन आप रट के जाते थे, हिस्ट्री का हो गया या किसी और सेक्शन का हो गया। हमारी इस बात को आपको प्लीज अदरवाइज नहीं ले, जो गंभीर बच्चे हैं चीजों को समझिए। क्योंकि आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी बात की गहराई को और माननीय बीपीएससी के द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य को अच्छे से समझे और उनका स्वागत करें। क्योंकि कोई भी संवैधानिक संस्था नागरिकों का या परीक्षार्थियों का अहित नहीं चाहता है, बल्कि वो उसमें पारदर्शिता ला करके एग्जाम को फेयर करता है और आपके अधिकार को स्थापित करता है कि किसी प्रकार से भेदभाव ना हो, चोरी ना हो। ये अच्छा कदम है उनका। अब यहाँ पर देखिए कि जो 67वीं या 68वीं का मेंस होगा, अब आप क्वेश्चन को रट के नहीं पास होंगे, आपको हर टॉपिक को डीपली समझना होगा, हर सेक्शन को बहुत अच्छे से गहराई से समझना होगा, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी और तब जाकर के आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है कि इस बार बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे थिंकर को पूछे कि जो सिलेबस में नहीं, अभी तक नहीं पूछा गया हुआ है। तो आपको हर सेक्शन के हर पहलू को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, तैयार करना है। ये तो हुई मेंस की बात। पीटी के लिए क्या है कि पीटी के लिए अब लूसेंट क्राउन या फिर जो भी वन डे एग्जामिनेशन के लिए गाइड होता है, बुक होता है, उस बुक को पढ़ करके उम्मीद कम है कि आप पीटी की परीक्षा पास कर लेंगे। चूंकि बीपीएससी ने कहा है कि 68वीं पीटी की जो बहाली है उसका भी नोटिफिकेशन हम जनवरी में लाएंगे, तो जनवरी में तो पीटी होने से रहा, यानी इसकी प्रारंभिक परीक्षा 68वीं का वो पेपर आपका होगा लगभग मार्च अप्रैल के आसपास में। तो आपके पास अच्छा समय मिल गया तैयारी करने का। इस विषय इस संदर्भ में हमारा यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अभी से ही एनसीईआरटी की जो किताबें हैं सामाजिक व्यवस्था का है, उसको बहुत अच्छे से 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ाई कर लें। आप एक एक शब्द को आप याद कर जाएं, क्योंकि आपकी सफलता एनसीईआरटी की किताबें या बीटीबीसी की जो किताबें हैं इतिहास का, वही बेरा पार लगाएगा। इसके अलावा जो यूट्यूब पे मैराथन क्लास चलता है, पोस्टमार्टम क्लास चलता है, घटनाक्रम की जो क्लासेस चलती हैं, तो यकीन मानिए इन प्रकार के क्लासों से आपकी प्रारंभिक परीक्षा तैयार नहीं होगी, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये बस उन यूट्यूब चैनल्स को बढ़ावा मिलेगा, उनको पैसा बनेगा और आपका अहित तो होगा। इस चीज को समझिए, आपको पास करना है बीपीएससी की परीक्षा, तो ये तय बात है कि एनसीईआरटी पढ़ना होगा, स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी होंगी और स्टैंडर्ड खुद से तैयारी करना होगा। यदि आपको लगता है कि हम मेंस की तैयारी खुद से कर सकते हैं, पीटी की तैयारी खुद से कर सकते हैं, तो ये इससे बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हमें कोचिंग की जरूरत है, तो आप अपने आसपास में ऐसे कोचिंग की तलाश करें जिनके टीचर की कुछ क्वालिटी हो, जिन्होंने बीपीएससी से जुड़े हुए हो और जो करेंट में जुड़े हुए। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले पीटी दिया, मेंस दिया, तो वो पैटर्न से मतलब नहीं बनता कि आपको वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। आपको स्टैटिक ना होकर के, बल्कि आपको डायनामिक संस्थान या टीचर की तलाश करके उनसे गाइड लेना होगा, मार्गदर्शन लेना होगा, यदि आपको जरूरत लगे गाइड लेने की तो। अदरवाइज आप सेल्फी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है पीटी की तैयारी में, अभी आपके पास लगभग 5 मंथ का समय है, तो 5 महीना बहुत होता है कि आप अच्छे से तैयारी कर लें। अब क्या है कि 68वीं पीटी का जो होगा, उसमें जो यूपीएससी के बच्चे जो दिल्ली में तैयारी करते हैं या सिर्फ स्टडी करके तैयारी करते हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, वो वैसे बच्चों से बीट करेंगे एग्जामिनेशन में जिन्होंने लूसेंट या फिर वनडे का कोई गाइड पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा हुआ है। क्योंकि 68वीं बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन कैसा पूछेगा ये कोई नहीं बता सकता है, ये सिर्फ आयोग सेट करते हैं, उन्हीं को पता होगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो सिलेबस का ही होगा। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि हम सिलेबस परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी इतिहास के प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, भूगोल के प्रश्न होंगे ही होंगे, विज्ञान के प्रश्न होंगे ही होंगे, बिहार स्पेशल के प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, लेकिन अब ये प्रश्न डायनामिक प्रवृत्ति के होंगे। यदि अब देखो इससे हो क्या रहा है, इससे बीपीएससी भीड़ को छाट रही है। भीड़ क्या छाटना है समझिए चीजों को, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पटना या बाहर में रह करके वनडे की तैयारी करते हैं, यानी रेलवे ग्रुप सी का हो गया, डी का हो गया, कभी रेलवे का फॉर्म भर दिया, कभी एनडीए का फॉर्म भर दिया, कभी सचिवालय का फॉर्म भर दिया, कभी दरोगा का फॉर्म भर दिया, यानी ऐसे कैंडिडेट को बीपीएससी नॉन सीरियस कैंडिडेट समझता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा का एक गरिमा होता है। पीटी तो बच्चे क्वालिफाई कर जाते होंगे, लेकिन मेंस के समय उनको दिक्कत होती है। तो इसी भीड़ को कम करने के लिए बीपीएससी ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है और बेहतर परिवर्तन लाया है। तो अभी भी समय है मित्रों, अभी भी समय है, आप अच्छे से पढ़ाई करें। और YouTube पे पीटी की तैयारी नहीं होती, ये चीज समझ लीजिए बात को।
तो जितना हमारा ज्ञान था हमने उस हिसाब से आपको सही गाइड किया कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, अच्छा स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, बिहार सरकार का बुक्स पढ़ें और अपने आप को इतना डीपली और कंसेप्चुअल तैयार कर लें कि बीपीएससी कहीं से भी प्रश्न पूछेगा आप उस प्रश्न को जवाब देने में सक्षम हो, है ना। उसकी आप तैयारी करेंगे, जो भी मेंस की तैयारी है। अभी देखो कि समय हमारे पास पीटी का मिल गया, यानी 68वीं पीटी तो लगभग 5 महीने बाद होगा। इस बीच में अभी कैलेंडर तो बीपीएससी का हैंग हो गई होगा, क्योंकि देखो उन्होंने 8 जनवरी को तय किया था 68वीं का पीटी लेंगे, तो संभावना कम है कि जनवरी में इसका पेपर हो, क्योंकि जनवरी में वो नोटिफिकेशन ही निकालेंगे पेपर का, तो पेपर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका। तो अभी आप स्मार्ट वर्क यह कर सकते हैं कि अभी 2-3 महीने आप मेंस की तैयारी रगड़ के करें। इस 2-3 महीनों में क्या होगा, आपके मेंस के अगर 70% सिलेबस भी जनरल स्टडीज का या ऑप्शनल का खत्म हो जाता है तो पीटी की तैयारी आप टेंशन फ्री होकर के करेंगे, और आने वाले समय में जब पीटी आप उत्तीर्ण होंगे 68वीं का तो मेंस में आपको 30% तो करना पड़ेगा, तैयारी तो आप आराम से कर सकते हैं। आप यह सोचेंगे कि हम 68वीं का पीटी दे देते हैं फिर मेंस में लगेगा रिजल्ट आने के बाद में, तो ऐसे ही बच्चे का पंचवर्षीय योजना का प्रोग्राम होता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि पहले मेंस की तैयारी होती है और उसी के साथ साथ पीटी की भी तैयारी स्वतः होती रहती है। पीटी यदि आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो पीटी का लगभग 70% तैयारी आपका ऐसे ही हो जाता है। कैसे, क्योंकि जब मेंस में टॉपिक को आप स्टडी करते हैं, पॉलिटी का हो या इंटरनेशनल रिलेशंस के हो, ज्योग्राफी के हो, साइंस टेक्नोलॉजी का, तो बहुत सारे फैक्चुअल चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको मिलती हैं। और अभी जो सिनेरियो बीपीएससी चेंज किया हुआ है इसमें इतना तो तय बात है कि यदि आप मेंस की तैयारी अभी आप कर लेते हैं किसी अच्छे संस्थान से या खुद से तैयार करते हैं तो पीटी में आप दूसरे बच्चों से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो साथियों ये संक्षिप्त जानकारी थी, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं फिर दोहराता हूं कि अगर हमारी बात से अगर आपको किसी प्रकार का ठेस लगे तो उस चीज को दिल पे आप ना लें, हमने बिल्कुल तार्किक बात कहा है जिसमें कि तर्क है, जो सही बात है उस चीज को स्वीकार करें और अपनी तैयारी में आप अच्छे से लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।